कैसल भाई, गुलाब का फूल ले लिया आपने? जी ले लिया। और कैसा फील हो रहा है? 25 साल के बाद, 24 साल के बाद मैं अपने पुराने स्कूल जहाँ से मैंने मैट्रिक की थी, वाह यार, उस तरफ जा रहे हैं। चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अली चाचड़। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियोस आती रहती हैं, तो आज मेरा व्लॉग है। आज मैं आया हूं एक दफ़ा फिर कम्प्रीहेंसिव स्कूल में। कम्प्रीहेंसिव स्कूल की पिछली वीडियो ने मुझे इतना रिस्पांस दिया और बहुत सारी इज्जत दी कम्प्रीहेंसिव स्टाल। आज मैं और मेरा एक दोस्त है, शायर भी हैं और दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उनके साथ हूँ मैं। और मैं लेकर आया हूँ गुलाब के दो पौधे और सर मेरे साथ हैं। के फूल गुलाब के पौधे भूल गए थे, अभी मैं ले आया हूँ। तो फैसल भाई को आप जैसा देख सकते हैं लेकर जा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि पुराना स्टाफ था, 2002 का सेशन था, एक टीचर है, 2000 का सेशन था और 2000 का सेशन था और अभी हम फैसल भाई के एक टीचर मिल गए और सामने प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं। फैसल भाई के एक टीचर हैं, वो भी मिल गए हैं, तो प्रिंसिपल साहब से भी हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। और माशाल्लाह प्यारा स्कूल बन गया है एक दफ़ा फिर। तो लेकिन ये है कि नाम तुमने बताया तो मैंने फौरन बताया जो मेरे जी बिल्कुल ऐसे। मैं सन 2000 में चार लड़के चार्ट लिख रहे हैं, ये वो ये लिख के लाता होता था। तो पूरे स्कूल में चार लड़के सेलेक्ट हुए थे खत्ताती के हवाले से, हैंड राइटिंग के हवाले से। तो फिर उसमें मैं एक सेलेक्ट हुआ था उस वक्त। स्कूल के चार ब्लैक बोर्ड ये सब कुछ, स्कूल टाइमिंग 2000 की बात है। अब वो टाइम टेबल वगैरह बना के यहाँ सारे अवेदा करने ये करता था। प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करते हैं कि सर पौधे लगाने हैं, लगा दें फिर हम ऑफिस, तो मेहरबानी फरमाएं सर। हर बंदे नहीं जानता, हर बंदे क्लासा नहीं जानते। फैसल भाई डिस्कस हो ना चाचा मुफ्ती, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, हमारे दौर में भी महमूद साहब का जलवा होता था। पता लगता था दूसरी बिल्डिंग में महमूद साहब आ रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग में पता लगता था उठे, क्लास वहां चुप हो जाती थी। सर बच्चों की मेहरबानी है, कहते हैं कि ये वाली ये तो अभी हमारे दौर में बनी होती थी। हाँ जी, और ये बिल्डिंग है पुरानी, हाँ ये अभी लग रहा है पुरानी है। तो इसके अलावा ये एक बिल्डिंग न्यू बनी है, वो भी मुझे लगता है आपके बाद बनी है। आप कौन से क्लास में हैं बेटा? 10th एक्सटेंशन। अच्छा, फैसल भाई अभी दिखाने जा रहे हैं हमें अपनी क्लास जहां फैसल भाई बैठ कर, हाँ बाहर से दिखा देंगे। नाइन्थ का था और नाइन्थ और टेंथ। हाँ जी, इकबाल सेक्शन। अभी
गजाली है। और फैसल भाई एक और मज़े की बात बताऊँ, ये ब्लॉक्स बना दें पीछे देखें, उस्मान गनी ब्लॉक है ये ऐसे ना तरतीब दे दिए गया इनको, ये उस्मान, ये पहले कुछ भी नहीं था ऐसे कि ये उस्मान गनी ब्लॉक या ये फलां ब्लॉक। रूम में क्या इस अक्सर क्लासरूम्स में मेरे हाथ के बने चार्ट, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग और ड्राइंग अच्छी थी। अच्छा, इस बिल ये जना ये तो फैसल भाई ने हमें दिखाया है अपनी पुरानी क्लासेस जहाँ फैसल भाई को पढ़ते थे डंडे वो और उसके अलावा अभी हम आपको ना थोड़ा सा स्कूल और दिखा देते हैं, इसके अलावा आपको दिखाते हैं कुछ और मजीद स्कूल ना। फैसल भाई ये पहले ना ये ऐसा स्कूल था, एक ही टंकी होती थी, वो वहाँ थी नहीं, हमारे दौर में एक ही थी वो, बस उस पर इतना नहीं। पहले मुझे ये बताया वहाँ दीवारें होती थी जो पहले, अच्छा, ये बिल्डिंग नहीं थी उसको, ये अभी बनी है मैंने जैसा आपको बताया वही थी, और ये अभी ये रिसेंटली बनी है बस। ऊपर चलते हैं, नीचे क्लासेस हो रही हैं, ऊपर भी हो रही होंगी, ऊपर थोड़ी हो रही होंगी। अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ अपने स्कूल सन 2000 में। तो ऐसे इसी मौके पर दो शेर याद आ रहे हैं कि बस देखते ही देखते ये हादसा हुआ, गाड़ी ही इतनी तेज थी सपने को चल गई, इस रेत जैसी जिंदगी को सोचता हूँ अब कितनी बची या हाथ में कितनी फिसल गई। मेरा जो पुराने स्कूल का स्टूडेंट आता है ना, ओल्ड स्टूडेंट यहाँ रहने का जो समोसा है वो खाए बगैर नहीं जाता। क्या बात है, ये क्या बात? इसके समोसे में अलग ही जादू या मोहब्बत कह लें आप। ये वो जगह है, ये साथ क्लासरूम है हमारा जी, और क्लासरूम से बाहर आके हम यहाँ खेलते थे, ये सब जगह थे जहाँ पे हमें, मैंने आपको पहले भी बताया कि जान पर खोल जाते थे हमारा ताखिर की वजह से। अहमद मुश्ताक साहब का शेर है कि एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, और अब कोई कहीं रहता है, बस वक्त की रफ्तार और उसको देखकर अभी मैं बैठ गया हूँ और यादें ताज़ा हो गई हैं। सर अभी महमूद साहब बता रहे थे कि हमारे जो क्लास फेलोज थे मुशरफ मुर्तज़ा वो जो लाहौर में आर्थोपैटिक डॉक्टर है, सल्तन ऐसी दो तीन और स्टूडेंट्स जो हमारे क्लास करे थे, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई क्या कोई कहाँ पहुँच गए, हम वहीं के वहीं खड़े थे, वहीं शायरी उस दौर में भी हम शेर पढ़ते थे सुनते थे और अभी भी वहीं पढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद एक कदम भी आगे नहीं चल सकता।